चाहिए, ठीक है? टॉयलेट्स कहाँ पे नहीं होने चाहिए, कहाँ पे होने चाहिए? हाँ, आप सब लोगों ने लिख लिया कहाँ पे नहीं होना चाहिए ये भी? हाँ हाँ, तो अभी देखते हैं कि जो पोर्च या बालकनी या टेरेस होती है वो कहाँ पे होनी चाहिए एज पर वास्तुशास्त्र, ओपन एरिया। तो जैसे नॉर्थ और ईस्ट से अच्छी कॉस्मिक एनर्जी घर में प्रवेश करती है, तो नेचुरली जो भी टेरेस है, बालकनी है, जो भी पोर्च है, वरांडा है जिसको बोलते हैं, वो नॉर्थ या ईस्ट में होना सबसे बेस्ट होता है। ओके, तो वरांडा शुड बी ऑन द ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट साइड, और थर्ड पोजिशन इज नॉर्थ वेस्ट साइड, यहाँ पे जहाँ पे एयर एलिमेंट होता है। तो ये तीन डायरेक्शन में एडवाइजेबल है। और अगर साउथ ईस्ट में है तो क्या होता है, वहां पे वायु तत्व जो है, एयर एलिमेंट है, या फिर वहां की ज्यादा ओपनिंग है, तो साउथ ईस्ट की एनर्जी को बढ़ाती है। हवा है वो अग्नि को ज्यादा फैलाती है कि नहीं? तो इसलिए साउथ ईस्ट में बालकनीज नहीं होने चाहिए, बट साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट में होना बेटर है। सो देयर शुड नॉट बी एनी वरांडा, एनी टेरेस, एनी बालकनी इन दी साउथ वेस्ट एरिया, साउथ वेस्ट जोन। ये लिखा आपने कि मैं स्लो बताऊं फिर से? हाँ मैम हाँ वरांडा शुड बी वरांडाज और बालकनीज और एनी टेरेस शुड बी ऑन दी ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस। इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन साउथ ईस्ट डायरेक्शन कैन बी कंसिडर्ड फॉर वरांडा, बालकनी और टेरेस, बट वेरी मिनिमम साइज। साउथ ईस्ट बालकनी शुड बी, देर शुड बी ओपनिंग टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, नॉट साउथ डायरेक्शन। ये बालकनी इन द साउथ ईस्ट जोन शुड बी ओपन टूवर्ड्स ईस्ट जोन, ईस्ट डायरेक्शन एंड नॉट साउथ जोन। मैम हाँ, एनी गैलरी और वरांडा इन द साउथ ईस्ट जोन शुड बी क्लोज्ड इन साउथ डायरेक्शन एंड ओपन टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। तो क्या होगा, सन की ईस्ट की डायरेक्शन की ओपनिंग मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, लेकिन साउथ की नहीं मिलेगी। अगर साउथ ईस्ट, साउथ का रीजन जो है, वहां पे अगर वॉल हो गया, वहां पे कुछ हम दीवार या आर्टिफिशियल वॉल क्रिएट करते हैं, तो ये पॉसिबल होगा। अभी वरांडास कहाँ पे होना नहीं चाहिए, बालकनी, देर शुड नॉट बी एनी बालकनी, एनी वरांडा, एनी ओपनिंग इन दी साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट एरिया, वेस्ट डायरेक्शन। दी बालकनी, टेरेस और वरांडा, पोर्च, बंगलो है तो उसका पोर्च होता है कि नहीं, जहां से गाड़ी वगैरह आती है, वो फ्रंट एरिया, दैट शुड नॉट बी इन साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। अगर साउथ, साउथ एरिया में साउथ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट,
balconies, verandas, porch or gallery. Big size windows are not considered as auspicious in the south west or southwest direction. अगर ऐसे होता है तो क्या होता है, वहां की सन डायरेक्शन से ज्यादा ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और लॉसेस होते हैं और फैमिली रिडक्शन हो जाती, मतलब धीरे धीरे फैमिली के लोग या तो घर छोड़ के चले जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ रीजन की वजह से या तो बीमार रहते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है, अनटाइमली डेथ कैन बी सीन. तो ऐसा बहुत बड़ा, ये भी एक बड़ा वास्तु दोष है, तो इसको भी कंसिडर करना चाहिए. ये पॉइंट क्लियर हो गया? मैम मैं एक बार फिर से बताओ ना। कौन सा अभी क्या बताना है? व्हाट यू डिडंट अंडरस्टैंड? वरंडा और बालकनी उसका। हाँ, बालकनी ईस्ट नॉर्थ और साउथ ईस्ट में ओके है, चलता है, इवन नॉर्थ वेस्ट में भी चलता है, ठीक है, बट नॉट गुड इन साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट. तो ये जोन में अच्छा नहीं होता है. और जो बालकनी की हाइट है या जो भी गैलरी है, बरांडा, पोर्च एरिया है, उसकी हाइट कम होनी चाहिए than the main entrance, ठीक है. अभी आगे देखते हैं स्टडी रूम कैसे हो. तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि while studying one should face either east direction or north direction. तो ये पॉइंट भी आप लिख लो फर्स्ट थिंग, कि while studying a student should face ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन. अभी ईस्ट डायरेक्शन में फेस करना है, दैट मीन्स अभी कैसे करते हैं इंटीरियर डिजाइनर्स जिनको वास्तु पता नहीं होता है, वो क्या करते हैं, गूगल वास्तु पढ़ लेते हैं और क्या करते हैं, ईस्ट की वॉल है वहां पे टेबल लगा देते हैं, स्टडी टेबल, ठीक है. तो ईस्ट की वॉल है वहां पे बिल्कुल टच करके टेबल लगा दिया, तो पीछे की वेस्ट में मार्जिन ज्यादा होती है और आगे ईस्ट में बिल्कुल मार्जिन, जीरो मार्जिन हो जाती है. तो व्हाट हैपेंस, ईस्ट में डेड वॉल है सामने, तो क्या वहां की ऊर्जा वो स्टूडेंट को मिलेगी क्या, आप बताओ मुझे. कैन एनीवन रिप्लाई? नो मैम, नो मैम, नहीं नो मिलेगी मैम। ना, क्योंकि वो वहां पे दीवार है सामने, अगर सामने डेड वॉल है या दीवार है तो वहां की ऊर्जा इससे मिलने का सवाल ही नहीं आता है. तो ऐसे में क्या करना चाहिए, वेल इन डिजाइनिंग द इंटीरियर्स व्हाट यू नीड टू डू, कि ईस्ट वॉल अगर क्लोज है तो वेस्ट वॉल को, मतलब पूरा वेस्ट वॉल का टच करके चेयर रखनी है और सामने टेबल रखना है, तो ईस्ट के सामने मार्जिन मिल जाती है. समझ में आ गया? जो बैक है, स्टूडेंट की बैक है, वो वेस्ट वॉल को टच होनी चाहिए और पूरा सामने का जो ईस्ट का एरिया सामने खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, इस तरह से टेबल लगाना, तो क्या ईस्ट की स्ट्रीमिंग मिल जाती है और वेस्ट है वो कंप्लीट बंद, बिकॉज वेस्ट जहां पे वेस्ट की स्ट्रीमिंग है वहां पे जो भी पढ़ा है वो भूल जाता है या फिर एग्जाम में याद नहीं होता है. कभी कभी ऐसे होता है ना, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत सिंसियरली सीरियसली पढ़ाई भी करते हैं रात दिन एक करके, लेकिन एग्जाम टाइम होता है या जो भी पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, एट मोमेंट पे भूल जाते हैं, उनको याद नहीं आता है. तो ऐसे कौन से घर में देखा गया है ये प्रॉब्लम, जहाँ पे वायु तत्व जो है स्ट्रीमिंग वो स्टडी रूम में ज्यादा है, मतलब वेस्ट की एनर्जी स्ट्रीमिंग ज्यादा आ रही, या फिर वेस्ट डायरेक्शन में विंडोज है,
तो ऐसे घरों में ये समस्या देखी जाती है कि बच्चा तो बहुत अच्छा है, पढ़ाई करता है, सब कुछ करता है, लेकिन एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट आप सबको, कैसे स्टडी टेबल प्लेस करना है? हाँ, तो यही अगर नॉर्थ में सपोज नॉर्थ का स्ट्रीमिंग मिलता है तो साउथ की जो वॉल है उसको बैक टच करके, मींस मराठी में बोलते तो पश्चिम भिंतीला पाठ टेकून बसायचं, आणि समोर पूर्ण पूर्व दिशा ओपन पाहिजे, समोर पूर्व दिशेमध्ये जागा मोकळी ठेवायची, तसंच दक्षिण भिंतीला पाठ टेकलेली पाहिजे आणि समोर उत्तर दिशेचं पूर्ण जागा मोकळी हवी। इतकं सिंपल आहे, असं नाही की ईस्ट म्हणजे त्या भिंतीला टेकून टेबल ठेवायचं। ठीक आहे, काही प्रश्न असतील तर विचारा, बिकॉज तुम्ही पण स्टुडंट्स आर, यू नीड टू स्टडी हार्ड। मॅम, हाँ तुम्ही जसं सांगितलं की ईस्ट म्हणजे ओपन पाहिजे आणि वेस्ट मध्ये वेस्टच्या वॉलला चेअर मध्ये टच हवी ना थोडेफार, हाँ टच हवी किंवा कमीत कमी जागा हवी। आणि समजा वेस्टला जर विंडो असती तर म्हणजे बॅक साईडला विंडो असती. वेस्टला विंडो असली तरी सेम होतं, ती बंद करायची, बिकॉज अगेन तेच की मग एखादी रूम आहे, सपोज एक अगर रूम है और उसमें विंडोज ईस्ट डायरेक्शन में नहीं है या नॉर्थ डायरेक्शन में विंडोज नहीं है, और विंडो है वो साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में, तो वहां पे क्या होगा, एयर एलिमेंट और जो है वहां का ज्यादा प्रभाव होगा। उससे क्या होगा, जब भी एयर एलिमेंट ज्यादा एक्टिव होता है तो मेमोरी लॉस होता है, जो भी पढ़ते हैं तो वो भूल जाते, या फिर पढ़ने में कंसिस्टेंटली हम फोकस नहीं कर पाते, वो स्टूडेंट्स फोकस नहीं कर पाते, या फिर वो चंचल मन हो जाते हैं, उनका उनका ध्यान ठीक से नहीं, अभी पढ़ा 5 मिनट, फिर उनके दिमाग में कुछ तो आएगा, वो सोचते रह जाएंगे, या फिर कुछ और ही कर देंगे, दे विल स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स व्हिच इज नॉट रिलेवेंट फॉर देयर स्टडीज। तो ये कभी देखा जाता है, जब भी वेस्ट की स्ट्रीमिंग ज्यादा होती है वो रूम में, इसलिए अगर विंडो है तो उसको बंद करना है, वहां सिंपल सॉल्यूशंस निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके प्रतीक, मॅम, म्हणजे विंडो बंद करायची म्हणजे पूर्ण ती डेड वॉलच करायची की विंडो अशी म्हणजे. डेड वॉल नाही, ज्यावेळेला तुम्ही स्टडी करता त्यावेळेला ती बंद करायची, जेव्हा तुम्ही महत्वाचं काही करता, अभ्यास करता किंवा मग काही मेमराइज करता किंवा काही विचार करता अभ्यासाचा, त्यावेळेला तुम्ही ते हे करू शकता। ओके ओके मॅम. आवाज आ रही है अभी सबको? हाँ, यस मैम। तो अभी इसमें और कुछ है क्वेश्चन क्वेरी? अच्छा, तो अजून काही प्रश्न आहे का कि स्टडी रूम मध्ये कसं काय प्लेसमेंट हवी टेबलची? नहीं। नाही। अजून एक और एक बोला था मैंने आपको कि जब भी आप पढ़ते हो तो आपकी शैडो आपके बुक्स पे या सामने जो भी आप लिख रहे हो पढ़ रहे हो उस पे नहीं आनी चाहिए, ये याद है? तो लाइट, हाँ लाइट की पोजीशन ऐसे हो साइड में हो कि जिससे अगर ऊपर है लाइट तो क्या होगा, आपकी शेडो वो बुक्स पे आ जाएगी, दैट इज ऑल्सो वेरी डिस्टर्बिंग। ये वास्तु में नहीं आता है, दिस इज एनर्जी साइंस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी जो स्टडी रूम है वहां पे विंडोज कहाँ पे होना अच्छा होता है, सबसे बेस्ट है ईस्ट की स्ट्रीमिंग हो, मतलब पूर्व दिशा में अगर खिड़की है तो अच्छा है, नॉर्थ में खिड़की है तो अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छा है,
बट वेस्ट या साउथ ईस्ट में होना ठीक नहीं. ओके, तो अवॉइड विंडोज इन वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड ऑल्सो साउथ ईस्ट. ये तीनों विंडो स्टडी रूम के लिए अच्छी नहीं है. अभी नेक्स्ट हम देखते हैं जो स्टोर रूम होता है ना घर का, जो भी सामान होता है वो कहीं स्टोर करते हैं, तो वो कहाँ पे होना चाहिए? वो बाय डिफॉल्ट या तो साउथ में या वेस्ट में या साउथ वेस्ट में होना चाहिए. ठीक है, बड़ी जो भी अलमारियां है, बड़ी कबोर्ड्स है, या फिर लोहे का कुछ स्टोर कर गए उसमें सारा धान्य है, साल भर का सब अनाज वगैरह स्टोर करके रखते हैं ना, वो सारा ये एरिया में होना चाहिए. छोटा एरिया स्टोर रूम, एनी काइंड ऑफ स्टोरेज शुड बी फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट, प्रायोरिटी फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट, देन साउथ ईस्ट. किचन का अगर है तो साउथ ईस्ट में होना चाहिए. नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट, दैट मीन्स एक्सेप्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ. ये तीन जोन छोड़ के बाकी कहीं भी रख दो. ब्रह्मस्थान, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड ब्रह्मस्थान, यहाँ पे स्टोरेज कुछ भी नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम होना नहीं होना चाहिए. आप स्टोर रूम लिखो तो क्लैरिटी आ जाएगी. साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, वहां पे ज्यादा जो पितृ देवता है या फिर यम देवता है, राक्षस देवता, वहां पे उनका एनर्जी होती है, वो राक्षस देवता, तो वहां का स्ट्रीमिंग जितना कंट्रोल्ड रहे उतना वो घर के लिए अच्छा होता है. दैट इज वाई वहां पे अगर स्टोर करते हैं, स्टोर रूम करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वहां की एनर्जी कंट्रोल्ड रहे और वो घर में इतना प्रवेश नहीं कर पाते. ओके, अभी इसमें कुछ डाउट्स है, क्वेश्चन है? नो मैम. अच्छा, अभी जो बड़े शहर में एक ट्रेंड है कि बेसमेंट और ये पकड़ के, फर्स्ट फ्लोर पकड़ के ऐसे घर बनाते हैं, या फिर बेसमेंट में पार्किंग होता है, तो ये बेसमेंट अलाउड ही नहीं है वास्तुशास्त्र में, बिल्कुल अलाउड नहीं है. अर्थ एलिमेंट बिल्कुल वहां पे प्रिपरेशन करके बेसमेंट बनाया जाता है, उससे क्या होगा, कंप्लीट जो बायोरिदम है वो चेंज हो जाता है और फिजिकल इनएबिलिटीज, मतलब जिसको बोलते हैं ना किसका एक्सीडेंट हो गया तो कोई ऑर्गन ही चला गया, फिर ऐसी बीमारी हो गई कि उसका कोई ऑर्गन उसे काटना पड़ गया, यू नो, इस तरह के इफेक्ट्स होते हैं बेसमेंट. तो बेसमेंट में घर नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये बहुत बड़ा दोष है. बेसमेंट जहां पे है वहां पे सूर्य की ऊर्जा नहीं पहुंच पाती, नेचुरल एनर्जी का स्ट्रीमिंग वहां पे नहीं होता है, होता है. ठीक है, इसमें कुछ है मतलब, हाँ, बेसमेंट मतलब समझ में. बेसमेंट मतलब फ्लोर लेवल होता है, जमीन, जमीन की लेवल होती है, उसको नीचे उसको खुदाई करके रूम बनाया या घर बनाया या बिल्डिंग में कुछ फ्लोर वहां पे देते हैं. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हो कभी, क्या आप जाते हो फ्लोर लेवल पे, रोड से अंदर जाते हो, वहां पे सीढ़ी होती है, सीढ़ी से आप नीचे जाते हो और वहां पे फिर शॉप होता है, शॉप का ग्राउंड फ्लोर वहां पे, और फर्स्ट फ्लोर है वो फ्लोर लेवल पे आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट बोलते हैं. ठीक है, ऐसे पुणे में दिखाई देता है, औरंगाबाद में दिखाई देता है, कुछ शहर है वहां पे ऐसे है, नॉर्थ में दिखाई देता है, साउथ इंडिया में नहीं है, सब साउथ इंडिया में वास्तु बहुत अप्लाई करते हैं अच्छे तरह से, तो जहां पे जो शहर है बड़े वहां पे पहले ही जगह की कमी है, तो वो ज्यादा जगह यूटिलिटी उसकी मिल जाए, ज्यादा जगह इस्तेमाल हो जाए, इसलिए वो बेसमेंट में एक ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं. अंडरग्राउंड मींस मैम, अंडरग्राउंड, एग्जैक्टली.
मॅम आणि सपोज समजा जर बिल्डिंग नाही आहे आणि बंगलो आहे तर मग जर बेसमेंटचा एरिया स्टोरेज वगैरे म्हणून काही लोक वापरतात तर ते अलाउड असतं का? नाही, बेसमेंटच अलाउड नाही. म्हणजे जमिनी फ्लोर लेवल से नीचे खुदाई करके कुछ भी करना ठीक नहीं होता है. क्या सिर्फ अलाउड है कि बोरवेल है या फिर वॉटर का कुछ स्टोरेज करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तभी सिर्फ अलाउड है. नहीं तो वहां पे कहीं भी ऐसे खुदाई करके अंदर कुछ रूम बनाना रहना अलाउड नहीं है. ये सब सिर्फ एनिमल करते है. सर्प वगैरह जो है, सर्प है, चूहे है, ये प्राणी लोग करते है. ये उनकी लाइफ छोटी होती है, चार या छह साल जब उनकी लाइफ होती है. तो जो बेसमेंट में बेसमेंट का स्विमिंग अगर आता है तो आप सोचो ना लॉजिकली भी कि टेलुरिक एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स है और वहां पे हम और ज्यादा नीचे जाते हैं. वी आर लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हम लोग ऊपर है. और अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बहुत ही ज्यादा गहरे अंदर जाएंगे तो वो एनर्जी स्ट्रीमिंग भी बहुत फास्ट हमको इफेक्ट करेगा ना. ज्यादा मात्रा में या ज्यादा स्ट्रोक एनर्जी तीव्र स्वरूप से वो इफेक्ट करता है. तो हेल्थ इश्यूज होते हैं तो ये अलाउड ही नहीं है, एज पर वास्तुशास्त्र बिल्कुल अलाउड. पहले क्या था, पुराने जमाने में ये सब नहीं था. बेसमेंट कहाँ पे होता था? अगर उनको कहीं कुछ शत्रु आ गया, उन्होंने कुछ अटैक किया तो छुपने के लिए वो कुछ और एरिया में बनाते थे, नॉट इन दैट वो किला या पैलेस. जिसको भुयारी मार्ग बोलते मराठी में, उसको एक टनल बना के टनल से जाके वो कहीं छुप जाते थे ऐसी जगह, ऐसा भी मिलता है. बट वास्तुशास्त्र में अलाउड ही नहीं है, पार्किंग भी बेसमेंट में अलाउड नहीं. मैम हाँ, इसके ऊपर सॉल्यूशन नहीं है फिर? नहीं, इसको सॉल्यूशन नहीं है, नहीं बना सकते एज पर वास्तुशास्त्र, बिल्कुल नहीं बना सकते. और ऑलरेडी रहेगा तो किसी अपार्टमेंट में तो उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो उन्होंने बिफोर 50 या 40 उन्होंने वो घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना बेटर है. या फिर वो घर का वास्तु कंसल्टेंट को बुला के कि क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या दोष आता है उनको, कितनी प्रमाण में. मतलब अगर सपोज 50 फ्लोर की बिल्डिंग है और उसके नीचे अगर बेसमेंट बनाया है तो उसका इफेक्ट कितना किसको आता है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट वास्तु स्ट्रक्चर है, उसके डिपेंड करता है. ओके ओके. ओके, तो एक मैंने जैसे बताया था पहले कि कोई भी एक चीज पकड़ के आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, आपको पूरा वास्तु का वो परीक्षण करना पड़ता है, हर एक आस्पेक्ट देखना पड़ता है, उसके बाद ही समझ में आता है कि क्या क्या इसमें दोष है और उसका क्या सॉल्यूशन. ठीक है? ये बेसमेंट सिर्फ कहाँ पे अलाउड है? जहां पे गोडाउन होते हैं, सिर्फ जहां पे स्टोरेज का ही ये रहता है वहां पे बेसमेंट अलाउड है, बाकी नहीं कहीं. ओके. आणि मॅम जसं तुम्ही बोलला की मॉल्स मध्ये वगैरे जातो आपण, तर एक फ्लोर अप येऊन मग नंतर खालती शॉप असतात, तर मग ते प्रेफरेबल आहे का? नाही नाही नाही, कुठेही बेसमेंट मधलं घर आणि शॉप असतील ते घेऊच नाही कधीच. म्हणजे मी तर सांगते फ्री मिळालं तरी घेऊ नका. काही काही वास्तू असतात ना त्या फ्री मिळालं तरी घ्यायचं नाही, कारण त्याच्याबरोबर खूप काही काही घेऊन येतात निगेटिव्हिटी. आणि मग ऍट वॉट कॉज मे इफ इवन इफ यू अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट तो असं निघून जा, सुख ते राहत नाही, कायमस्वरूपी पाहिजे ना काही. तो ऐसे एडवाइजेबल ही नहीं, वो नहीं ले, बेटर है. अभी हम वो स्टेयर केस का बताया था आपको कि साउथ वेस्ट में होना ठीक है, स्टेयर केस का पोर्शन लेते हैं. अभी सबसे बेस्ट पोजीशन है वो साउथ वेस्ट है. हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट है वेस्ट डायरेक्शन में, अच्छा है स्टेयर केस होना. तीसरा है नॉर्थ वेस्ट में,
बोलते हैं साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में। तो ये चार ही इसमें स्टेयर केस अलाउड है और स्टेयर केस शुड नॉट बी देयर इन नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, मतलब पूर्व ईशान्य उत्तर ये जोन में स्टेयर केस होना अच्छा नहीं माना जाता। मैम और ब्रह्म स्थान में भी नहीं होना चाहिए। हाँ साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट फोर्थ क्या था? हाँ साउथ वेस्ट वेस्ट पश्चिम साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये चार जो डायरेक्शन है जोन है वहां पे स्टेयर केस होना ठीक है एक्सेप्टेबल है एज पर वास्तुशास्त्र। और कहाँ पे नहीं होना चाहिए? फर्स्ट है ब्रह्म स्थान, सेकंड है उत्तर दिशा नॉर्थ। और मैम सेंटर पे रहेगा तो वही ब्रह्म स्थान बताया ना, सेंटर मीन्स ब्रह्म स्थान आ गया। वो ब्रह्म स्थान में स्टेयर केस नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए, पूर्व मीन्स ईस्ट में नहीं होना चाहिए और ईशान्य मीन्स नॉर्थ ईस्ट में भी स्टेयर केस होना ठीक नहीं होता एज पर वास्तुशास्त्र। ओके तो स्टेयर केस बनाते उसके जो स्टेप्स है नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होने चाहिए? ऑड नंबर हमेशा, नॉट इवन नंबर, ऑड नंबर होने चाहिए। और वो कैसे? अगेन क्लॉकवाइज ही उसका मूवमेंट होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। जब सीढ़ी चढ़ते हैं ना तो अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए हमें राइट टर्न लेना अच्छा होता है, अगर हम वो लेफ्ट टर्न लेते हैं वो तो सीढ़ी ठीक नहीं होती है। इट इज ऑपोजिट ऑफ आवर एनर्जी स्ट्रीमिंग बायोरिदम। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स है वो ऑड नंबर में होने चाहिए। सेकंड है इफ पॉसिबल इट शुड बी सर्कुलर, एंड थर्ड है इट शुड नॉट बी सर्कुलर, गलत हो गया। एनी स्टेप्स या स्टेयर केस शुड नॉट बी सर्कुलर। थर्ड पॉइंट है कि वो क्लॉकवाइज होना चाहिए, हमारी मूवमेंट स्टेयर केस से जाते हैं तो क्लॉकवाइज हो ना कि एंटी क्लॉकवाइज हो। और एक रूल है वास्तु का कि जहां कहीं भी स्टेयर केस हो वहां पे कंप्लीट बंद है या फिर ऊपर रूफ भी है और सामने भी दीवारें है पूरा बंद कर लिया, ये ठीक नहीं होता है। वहां पे कुछ जाली या विंडो कुछ ओपन ही होना चाहिए वहां पे। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि स्टेयर केस की जगह वो स्टेयर केस के नीचे की जगह है वो खाली पड़ी रहती है और फिर वो जगह में कुछ ना कुछ लोग करते हैं या तो कोई रूम बनाते हैं। जैसे हैरी पॉटर फिल्म किसने देखी है? उसमें उसका फर्स्ट फर्स्ट जो है ना मूवी उसमें उसका घर वहीं होता है स्टेयर केस के नीचे, मतलब उसकी रूम स्लीपिंग एरिया वहीं पे होता है। तो ये बड़ा वास्तु दोष ही है जो ऐसे जगह में सोता है खाना खाता है बैठता है उसको हेल्थ इश्यूज होते हैं। और वहां पे कुछ भी कभी कुछ लोग है वहां पे मंदिर बना देते हैं, जगह पड़ी है चलो भगवान को यहाँ पे बिठा दो, तो ये सब ठीक नहीं है। तो दैट प्लेस शुड बी ऑक्यूपाइड एज स्टोर रूम, वहां पे कर सकते हो कुछ है एक्स्ट्रा बर्तन है आपके या कुछ और ऐसा सामान है पड़ा हुआ कि जो नहीं लगता है सालों तक, कभी कभी लगता है वो वहां पे स्टोर रूम आप कर सकते हो। ठीक है अगर अगर ये नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में अगर स्टेयर केस है तो क्या होता है? कर्जे बढ़ जाते हैं घर में और कर्जे चुका नहीं पाते, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। एक कर्जा लिया वो चुकाने के लिए दूसरे से लिया, फिर वो चुकाने के लिए तीसरे से लिया, दिस गोज ऑन, दिस
साइकिल गोज ऑन, वो फैमिली बैंकरप्ट हो जाती है, फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, बिजनेस बंद पड़ जाता है। ये कभी होता है अगर नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस है या फिर कोई मालिया बना है, स्टोरूम बना है, वहां पे बहुत सारा वजन है, तो ऐसे होता है। और अगर ब्रह्मस्थान में सपोज स्टेयरकेस है या फिर कोई स्टोरूम है, कोई भी वजन है, तो क्या होता है, पेट की बीमारी होती है। ब्रह्मस्थान कहाँ पे होता है अपना, वास्तु पुरुष को। नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टेयरकेस है तो फाइनेंशियल लॉसेस, बिजनेस लॉसेस एंड द हेड ऑफ द फैमिली विल बी परमानेंटली इन डेट्स। घर का कर्ता जो है कर्जे में डूब जाएगा और पैसे के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और फिर फैमिली में वो टेंशन रहती, तो फाइनेंशियल लॉस, बिजनेस लॉस और कर्जे, ये उसका फलित है अगर नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस है ईश तत्व में। और अगर ब्रह्मस्थान में है तो सेंटर आ गया वास्तु पुरुष का, ब्रह्मस्थान मतलब नाभि का स्थान आ गया, वहां पे है तो पेट का ऑपरेशन करना पड़ता है, पेट में ट्यूमर होता है। ये चीज नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस है तो भी देखी गई है। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो स्ट्रोक का अटैक आना, ये देखा गया है। नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टेयरकेस है तो हेडेक, माइग्रेन ऐसे देखा गया है, या फिर हेड की, सर की कोई भी बीमारी। और ब्रह्मस्थान में है तो क्या होता है, पेट में ट्यूमर होना, पेट का कोई भी एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन कैन बी पॉसिबल। तो ब्रह्मस्थान में भी स्टेयरकेस बिल्कुल अलाउड नहीं। और बाकी इसमें इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, साउथ में, वेस्ट में है तो अच्छा होता है। ईस्ट में है तो क्या होता है, सबसे रिश्ते खराब हो जाते हैं, ऑब्स्टैकल्स क्रिएट हो जाते हैं। मतलब एबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ब्रिलियंट है इंसान, हार्ड वर्किंग है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं। ये कब होता है, जब ईस्ट में स्टेयरकेस है या ईस्ट में टॉयलेट्स है, तो ये करियर में प्रोग्रेस या ग्रोथ नहीं होती। तो ऐसे अगर वास्तु दोष है तो इसमें रेमेडीज करने पड़ते हैं और उनको गाइडेंस देना पड़ता है कि कैसे इससे सॉल्यूशन निकाले। ओके, अभी इसमें कुछ डाउट है? अभी जो बंगलोज होते हैं या फ्लैट्स में भी टेरेस होते हैं, तो गार्डन कहाँ पे होना चाहिए, कोई बताएगा मुझे? यू वेरी वेल नो हाउ द एनर्जी स्ट्रीमिंग इज देयर, हाउ आर द एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द वास्तु, गार्डन कहाँ पे हो? नॉर्थ, नॉर्थ में। ओके मैम, वेस्ट, दैट डिपेंड्स कि गार्डन में आप क्या, कितने बड़े पौधे हैं, कितने बड़े पेड़ है, इट डिपेंड्स ऑन दैट ना। अगर बड़े बड़े पेड़ है या फिर बहुत ज्यादा वहां पे प्लांटेशन किया हुआ है, तो वो क्या हो गया, पृथ्वी तत्व हो गया ना वो। तो अगर ऐसा है तो वो कहाँ पे होना चाहिए, साउथ में होना चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा प्लांटेशन किया है तो। और अगर वहां पे सपोज सिर्फ लॉन है और फाउंटेन है, वॉटर फाउंटेन, तो वो बेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे अच्छा है, जैसे बताया अभी, नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट पोजिशन। सिर्फ लॉन है, छोटे छोटे कुछ फूल के पौधे लगाए हैं, ज्यादा कुछ वहां पे प्लांटेशन नहीं हुआ है, बड़े बड़े पेड़ नहीं है, और वहां पे अच्छा सा सुंदर सा एक फाउंटेन, वाटर फाउंटेन भी है, या फिर पॉन्ड है, या फिर पूल बनाया वहां पे। एनी काइंड ऑफ वाटर एलिमेंट इज गुड इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ एरिया। तो ऐसा अगर है तो वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में होना सबसे बेस्ट पोजिशन।
ऐसा गार्डन अगर बाय डिफॉल्ट कहीं मिलता है किसी घर में होता है, बहुत से घर मैंने देखे कि उनको पता नहीं था, उनको पता नहीं था लेकिन उन्होंने ऐसे बना दिया। नॉर्थ ईस्ट में बड़ा सा ऐसे पॉन्ड है और वहां से वाटर सप्लाई होता है, लॉन को पानी दिया जाता है कुछ पौधों को, तो ये घर में ना प्रॉस्पेरिटी हमेशा रहती है। और बहुत ये ऐसा घर जब भी बनाते हैं उसके 4-5 साल में ही वो इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, करोड़पति या उससे भी ज्यादा, बहुत अच्छा पैसा भी कमाता है। नॉट ओनली मनी, उसका एक समाज में अच्छा स्थान भी रहता है, उसके घर में सुख शांति होता है, आनंद होता है, बहुत कुछ ऐसे लोग आते हैं, सेलिब्रेशन हमेशा चलता रहता है, मतलब सारी खुशहाली होती है। ये कब होता है? अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई भी वाटर एलिमेंट, ओपन एरिया, गार्डन है तो दिस थिंग्स कैन बी सीन। ओके, इसमें कुछ है क्वेश्चन? मैम गार्डन मध्ये असं म्हणतात की कॅक्टस वगैरे म्हणजे असे काटेरी झाड असतात ते लावून? हा नाही लावायचे, ते ऍडव्हान्स वास्तू मध्ये येतं ऍक्च्युली, की त्याच्यासाठी खूप मोठा विषय आहे तो, उसपे ग्रंथ है 3, वृक्ष शास्त्र करके है, वृक्ष वेद करके है, तो उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार कैसे वृक्ष होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, कौन से दिशा में होने चाहिए, फिर घर में जो लोग रहते हैं उनके नक्षत्रानुसार कौन से वृक्ष अच्छे होते हैं, ये सभी उसमें बताया गया। ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है ये, ठीक है? जब भी आप आपको अगर इसमें डिटेल में अगर ज्यादा कुछ सीखना है तो मेरा जो भी कोर्स होगा वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? या फिर आपको वो बुक पढ़ने पड़ेंगे संस्कृत के। तो ये गार्डन का आपको आ गया समझ में कैसे होना होना चाहिए? इसमें कुछ है क्वेश्चन मैम? जर पूर्ण घराच्या अवती भोवती गार्डन असेल तर काही वाईट नसतं, पण तिथे मग साऊथ मध्ये जास्त स्टोनच हे प्रमाण वाढवायचं, तिकडे जास्त तिथे अर्थ एलिमेंट साऊथ मध्ये वाढवायचं, त्याला इफेक्ट येते। जैसे हमने देखा ना की चारो बाजू रोड होता है तो क्या इफेक्ट आता है, वही इफेक्ट चारों बाजू में अगर गार्डन है उसका सेम इफेक्ट है। तो इसमें प्लांट्स कैसे है, कहाँ पे वाटर एलिमेंट रखा है, स्टोरेज कहाँ पे, इस पे डिपेंड करता है। उसका शेप कैसा है। ओके मैम, अभी इसमें कुछ है डाउट जो भी सीखा है वो? नो मैम। अभी देखते हैं सेप्टिक टैंक कहाँ पे हो, या लिख लो बिकॉज़ ये इम्पोर्टेंट है। सेप्टिक टैंक कहाँ पे नहीं होना चाहिए? नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। इफ इट इज इन नॉर्थ देन लॉस ऑफ मनी। अब ऐसे कॉलम बनाओ, यहाँ पे सेप्टिक टैंक है तो क्या होगा, मतलब डायरेक्शन और उसका इफेक्ट, ऐसे लिखो। ऊपर लिखो डायरेक्शन, साइड में लिखो इफेक्ट। तो फर्स्ट है वो नॉर्थ है, नॉर्थ में सेप्टिक टैंक क्या क्या इफेक्ट देता है, लॉस ऑफ मनी। मोस्टली इन हेल्थ इश्यूज। नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, लॉस ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप में बिजनेस चालू किया डूब गया पैसा सारा,
या किसी को उधार दिया, दिया ही नहीं वापस. ऐसे कभी होता है नॉर्थ ईस्ट में अगर सेप्टिक टैंक है तो. ईस्ट में है तो क्या होता है, लॉस ऑफ फेम, क्योंकि ईस्ट पूरा पोल्यूट हो गया, नाम खराब होता है. ईस्ट में अगर सेप्टिक टैंक है तो नाम खराब हो जाता है, बदनामी होती है. साउथ ईस्ट में होता है तो क्या होता है, लॉस ऑफ वेल्थ, जो भी बहुत सालों तक पैसा कमाया उसको बनाया ऐसे मेहनत करके वो एक झटके में चला गया किसी न किसी वजह से, कभी आग ही लग गई या फिर कुछ ऐसा कुछ बड़ा हो गया कि जिसकी वजह से नुकसान हो गया, तो लॉस ऑफ वेल्थ ये यहाँ पे बड़ा नुकसान होता है. कंटिन्यूस नहीं, एक ही झटके में निकल जाता है. अगर साउथ में सेप्टिक टैंक है तो क्या होता है, लॉस ऑफ वाइफ. अब यहाँ पे लॉस ऑफ वाइफ दैट डजंट मीन कि चलो पत्नी का निधन ही हो गया, ऐसे नहीं होता है. कभी कभी क्या होता है, डिवोर्स हो जाता है या फिर वो पत्नी कुछ ऐसी बीमारी से बीमार हो जाती है, कुछ बेड रिडन हो जाती है सालों सालों तक, कि उनका कोई रोल ही नहीं होता है फैमिली में, या फिर उनको कोई ऐसी बीमारी से हमेशा परेशान रहती है तो आनंद नहीं रहता है वो पर. तो साउथ में अगर है तो क्या होता है, लॉस ऑफ वाइफ. साउथ वेस्ट में क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ. दैट मींस अगेन सेम, जो घर का मेल है मुख्य पुरुष है उसको या तो हेल्थ इश्यूज होते हैं या फिर वो दिमागी तरह से बीमार हो जाता है, स्पेशली कुछ निराशा आ जाती है, कुछ जॉब ही चला गया और वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया, ऐसा कुछ हो सकता है इसमें. तो लॉस ऑफ लाइफ मीन्स ही इज नॉट एबल टू एंजॉय द लाइफ, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, सुइसाइड भी यहाँ पे देखा गया है. सेप्टिक टैंक अगर साउथ वेस्ट में है तो सुइसाइडल टेंडेंसी भी हो सकती. अगर वेस्ट में क्या होता है, वेस्ट जोन में सेप्टिक टैंक है तो लॉस ऑफ मेंटल पीस, घर में झगड़े रहते हैं वो घर में, तो जो सुख है उसका वो आनंद नहीं ले पाते, भाई भाई में झगड़े होते हैं, घर के जितने भी सदस्य है बेटा और उनके पिताजी उनमें बनती नहीं है, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है वहां पे, मिस अंडरस्टैंडिंग और मिस कम्युनिकेशन. वेस्ट डायरेक्शन है वो वायु तत्व एयर एलिमेंट, और एयर एलिमेंट का संबंध कम्युनिकेशन से होता है, तो ये लोगों का कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है एक दूसरे के साथ में. ये पॉइंट समझ में आ गया? तो सेप्टिक टैंक कहाँ पे होना होता है तो देखा है, तो सेप्टिक टैंक कहाँ पे होना चाहिए कोई बताएगा लॉजिक इसका? ये सारे डायरेक्शन तो आ गए इसमें, तो इसमें कहीं भी ऐसा दिया नहीं कि यहाँ पे होना अच्छा है, शुभ माना गया है, तो एक्चुअली कहाँ पे होना ठीक है बताइए. वेस्ट, वेस्ट में है लेकिन कहाँ पे हो, जो घर की बाउंड्री है उसके बाहर हो. वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में अलाउड है लेकिन घर की जो बाउंड्री है उनका जो एरिया है उससे बाहर हो. कितना दूर होना चाहिए, मिनिमम 3 फीट, 3 फीट अवे वेस्ट साइड में होना चाहिए. और कभी भी जो सेप्टिक टैंक है उसका जो प्लिंथ है या जो बनाया है पिट बनाया, वो घर की किसी भी कंपाउंड वॉल को टच नहीं होना चाहिए, कंपाउंड वॉल से 2 फुट दूर होना चाहिए. ओके, अभी जो ड्रेनेज पाइपलाइन होती है घर घर के लिए जो होता है आउटलेट उसका, वो कौन से डायरेक्शन में ठीक है,
वो साउथ में नहीं होना चाहिए, ऐसे लगता है कि साउथ में अच्छा होगा लेकिन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो ड्रेनेज पाइपलाइन क्या होता है, जमीन के अंदर जाके उसका सारा काम हो जाता है। कोई भी डिप्रेशन है वो साउथ में ठीक नहीं, वो साउथ छोड़ के किसी भी डायरेक्शन में अलाउड है, बट प्रेफरेबल है अगेन नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट। एनी काइंड ऑफ ड्रेनेज पाइप्स एंड एवरीथिंग इज कंसिडर्ड गुड इन वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट जोन। सी आउटलेट शुड नॉट बी इन द साउथ, ड्रेनेज आउटलेट शुड नॉट बी इन द साउथ। इसमें एक है कि द पाइप्स, या नोट डाउन करना, द पाइप्स ऑफ द टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स शुड बी डाइवर्टेड टू द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। द पाइप्स ऑफ द टॉयलेट शुड बी डाइवर्टेड टू द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। And the pipeline of the bathroom and kitchen. कौन सी डायरेक्शन में? टॉयलेट और बाथरूम के है वो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, टॉयलेट के है वो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, और जो किचन का है जहाँ पे किचन का जो बर्तन वगैरह ये करते हैं धोते हैं वो ईस्ट में और नॉर्थ में। और पाइपलाइन, नो पाइपलाइन शुड बी प्लेस्ड इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ड्रेनेज पाइप शुड नॉट बी देयर इन द साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन। कोई भी पाइपलाइन से क्या होता है, पानी बहता है वहां से ना, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। अभी इसमें कुछ है क्वेश्चन? मैम तुम्ही लास्ट सांगितलं नो पाइपलाइन इन साउथ एंड साउथ एंड साउथ वेस्ट, नैऋत्य आणि दक्षिण। सर जो बंगलो बनाते हैं या कोई भी घर बनाते हैं उसमें सपोज दो माले का या तीन माले का होता है या अपर फ्लोर होते हैं उसमें, तो उसको कैसे डिजाइन करना चाहिए? जो अपर फ्लोर है वो साउथ या वेस्ट रीजन में हो, और जो लोअर फ्लोर होता है मतलब जो स्लोप है घर देखते हैं तो सामने ईस्ट में स्लोप उसका आना चाहिए या फिर नॉर्थ में होना चाहिए, और जितना कंस्ट्रक्शन हो सकता है वो जितना साउथ या साउथ वेस्ट और साउथ में हो उतना बेटर। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिखो कि एनी अपर फ्लोर शुड बी इन दी साउथ और वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन। कंस्ट्रक्शन हुआ है और सामने जगह कम है, एम्प्टी स्पेस ज्यादा। अपर फ्लोर शुड बी ऑन दी साउथ और साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। मैम परत एकदा सांगा ना।
एनी अपर फ्लोर शुड बी कंस्ट्रक्टेड और बिल्ट इन द साउथ डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन. And the slope of the roof, slope of the roof or ceiling should be towards north or northeast or east direction. तो रूफ स्लोप कहाँ पे होना चाहिए सीलिंग का? कोई भी घर बनाते उसकी छत है उसका स्लोप अगर उस पे पानी डालते तो वो पानी कहाँ जाना चाहिए? या तो नॉर्थ में जाना चाहिए या फिर ईस्ट में या ईशान्य दिशा में जाना चाहिए. तो जो फ्लोर लेवल का रूल है वही रूफ के लिए भी है. अभी सपोज ऐसे दो या तीन माले का घर नहीं, एक ही ग्राउंड लेवल पे एक ही घर बनाया है, अपर फ्लोर नहीं है, उसके लिए भी यही रूल एप्लीकेबल है कि रूफ है उसका स्लोप कहाँ पे हो, या तो नॉर्थ में या ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में. और वो घर का अगर 90 डिग्री का प्लॉट बना दिया हाँ, तो वो घर का कंस्ट्रक्शन कौन से जोन में हो? पूरा प्लॉट तो घर नहीं बना सकते पूरे प्लॉट पे, वहां पे एम्प्टी एरिया तो रहेगा. तो वो कहाँ पे होना चाहिए? साउथ वेस्ट में घर बनाना है, साउथ वेस्ट कॉर्नर को वहां पे मार्क करके मार्किंग करके घर बनाना है, बिल्ड करना है. और जो मार्जिन छोड़नी है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की छोड़नी है ज्यादा. और कंस्ट्रक्शन पूरा होना चाहिए या तो साउथ में या साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में या वेस्ट में. Four directions are allowed. अभी इसमें questions है कुछ? नो मैम. यस, तो अभी हमारा रेसिडेंशियल का यहाँ पे कंप्लीट हो गया पोर्शन. अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो ग्रुप पे पोस्ट करना, ठीक है? और अभी परसों साइकोलॉजी का लेक्चर होगा आपका.